So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के V27 Pro डिवाइस के अंदर आप जो है नैनो म्यूजिक प्लेयर को यूज कैसे करेंगे। ये एक प्लेयर है और गाइज काफी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि नैनो म्यूजिक प्लेयर के अंदर सॉफ्टिफाई का जो म्यूजिक है उसको हम सॉफ्टिफाई मींस की कैसे चला सकते हैं, उसके जो म्यूजिक वगैरह है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो एंड तक वीडियो देखना, कंप्लीट चीजें बताएंगे आपको नैनो म्यूजिक के बारे में। वेल गाइस, फोन के अंदर नैनो म्यूजिक प्लेयर को एक्सेस करने के लिए आपके पास नैनो म्यूजिक का विजिट्स होना चाहिए। अगर आप यहां पर न्यू फोन्स के साथ आए होंगे तो आपके पास जो होगा, अगर आपने कभी रीस्टोर या फिर आपने रिमूव वगैरह कर दिया तो नहीं होगा। ऐसे केस में अगर ऐप ड्रॉअर एक्सेस कर रहे हैं तो अपने एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करना, राइट साइड में विजिट्स का ऑप्शन है, इसको प्रेस कर लेना तो यहाँ नैनो म्यूजिक प्लेयर मिलेगा। इसको लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके जहां पर आपको डिस्प्ले के एरिया पे रखना है वहां आप इजीली रख सकते हैं। एक तरीका और है, जो लोग स्टैंडर्ड मोड यूज करते हैं, इस तरह से एप्लीकेशन साइड में स्क्रॉल करके आती हैं, उनके लिए डिस्प्ले पे किसी भी ब्लिंक एरिया पे जहां पर कोई एप्लीकेशन ना हो वहां लॉन्ग प्रेस करिए, इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, विजिट्स पर जाना है और नैनो म्यूजिक प्लेयर यहां मिल जाएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड देन इसको अपना एक शॉर्टकट बना लेंगे। अब यहां पर आएंगे तो इधर राइट साइड वाला जो बटन से ये एक प्लेयर है, इसको प्ले करेंगे तो सॉन्ग या कुछ भी आप इसको चलाना चाहें चला सकते हैं। इसके लिए लेफ्ट वाले पे क्लिक करना, एक सेटिंग्स का आइकन है कॉर्नर में, इसको प्रेस करेंगे। सॉफ्टिफाई प्लेयर जो आपका सॉफ्टिफाई म्यूजिक जो है ये एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर इसके सॉन्ग को चलाना है तो देखो यहां पर 3 डॉट मिल रहा है, 3 अंडरलाइन, इसको आप करना क्या है ऊपर नीचे कर लीजिएगा। जिस भी एप्लीकेशन का सॉन्ग चलाना है, मान लीजिए मुझे आई म्यूजिक का चलाना है, इसको करके डन कर दूंगा तो अब यहां पर जो म्यूजिक प्लेयर हम चलाएंगे, मींस कि जो भी हम म्यूजिक प्ले करेंगे तो ये हमारे मेन वाले म्यूजिक से चलेगा। देखो यहां पर प्रेस कर देंगे तो मेन म्यूजिक से चलेगा, लेकिन अगर हम इसको यहां से करके इसको ऊपर कर देते हैं तो सॉफ्टिफाई का म्यूजिक चलेगा। हालांकि हमने इसको साइन इन वगैरह नहीं करा हुआ है तो साइन इन मांगता है, इसके बाद ही सॉन्ग वहां से प्ले होगा। तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। हालांकि इसमें कुछ विशेष सेटिंग्स तो नहीं है, लेकिन जो लोग सॉफ्टिफाई म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो जो भी आप म्यूजिक ऐड करेंगे उसको बस ऊपर कर देना, उसका म्यूजिक आपके फोन में चलना शुरू हो जाएगा और भी नैनो म्यूजिक प्लेयर के अंदर। सो आई थिंक समझ गए होंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।